भारत देश के कोने कोने में कई प्राचीन मंदिर, किले, घाट और पवित्र स्थल स्थापित हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा दृश्य हमें हर जगह देखने को मिलता है। आपने भारत में विभिन्न शैलियों और अलग अलग ढंग से निर्मित बहुत से स्मारक देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्थान के विषय में बताएंगे जो पत्थरों या ईंटों से नहीं अपितु हड्डियों से निर्मित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामायण काल के प्रसिद्ध ऋष्यमुख पर्वत की, जिसके विषय में बताया गया है कि यह पर्वत आज भी इसी नाम से तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इस पर्वत से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था तो बहुत से ऋषि उससे डर कर एक साथ एक पर्वत पर जाकर रहने लगे थे। इस पर्वत पर ऋषि मतंग का आश्रम था। कहते हैं ये सभी ऋषि पर्वत पर मौन रहकर रावण का विरोध कर रहे थे। एक दिन रावण विश्व विजय प्राप्त करने के लिए इस पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि बहुत से ऋषि एक साथ बैठे हैं। यह देख रावण उस पर्वत पर गया और ऋषियों से इकट्ठे होने का कारण पूछा। सारे ऋषि मौन थे, इसलिए राक्षसों ने रावण को बताया कि महाराज, आपके द्वारा सताए हुए ऋषि मूक यानी मौन होकर यहाँ आपका विरोध कर रहे हैं। ये सुनकर रावण को अत्यंत क्रोध आ गया और उसने एक एक करके समस्त ऋषियों की हत्या कर दी। कहा जाता है कि उन्हीं ऋषियों की अस्थि अवशेषों से यहाँ एक पहाड़ बन गया और तभी से यह पर्वत ऋष्यमुख पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। रामायण में इस पर्वत से जुड़ी एक अन्य कथा भी प्रचलित है। कथा अनुसार सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर ऋष्यमुख पर्वत पर ही छिपा हुआ था, क्योंकि बाली को इस पर्वत पर न आने का श्राप मिला हुआ था। दरअसल बाली ने असुर दुंदुभि का वध करके उसके मृत शरीर को एक ही झटके में एक योजन दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए मृत दुंदुभि के मुंह से खून बह रहा था, जिसकी कुछ बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम पर भी पड़ गई थी। मतंग ऋषि ने रक्त की बूंदें देखकर अपने दिव्य ज्ञान से सब कुछ जान लिया और क्रोधित होकर उन्होंने बाली को श्राप दे डाला कि अगर बाली कभी भी ऋष्यमुख पर्वत के एक योजन की दूरी के पास भी आएगा तो अपने प्राण खो बैठेगा। इस श्राप के बारे में बाली के छोटे भाई सुग्रीव को पता था, इसलिए उसने बाली से बचने के लिए अपने अनुयायियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत में जाकर शरण ली थी। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।